Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sir Ali Ahmed and today's topic is Partnership Retirement. This is our fifth video lecture which is related to this particular topic, that is Partnership Retirement. The students of not only second year commerce accounts but also BCom-Part I accounts may get help from this particular topic because the same topic is included in both the syllabus. Students who have not subscribed our YouTube channel, they may subscribe us on Sir Ali Ahmed. It is on YouTube. You may also contact us on this particular number, that is 0331-265-2994. You may also like the Facebook page, thelearningpoint.tlp. You may also join us on Facebook group, Sir Ali Ahmed, The Learning Point Group. Students, before starting this particular topic, that is revaluation of assets, you should remember that all the remaining cases have already been discussed in detail in our previous lectures. Kaun kaun se topics ab tak hum already discuss kar chuke hain? Humne case number 1, case 2, 3, 4 aur 5. Jin students ne ab tak ye video lectures nahi dekhe, वो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं ताकि उनका ये टॉपिक मजबूत हो सके, उनकी ग्रिप बेहतर हो सके. आज का टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी कि हम एसेट्स को बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, रीवैल्यू. रीवैल्यू का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम करते ये हैं, हमसे मुराद पार्टनर्स के एसेट्स को रीवैल्यू करवाते हैं. रीवैल्यू का मतलब होता है कि मार्केट में उन एसेट्स की हम कीमत चेक करवाते हैं कि इस वक्त उन एसेट्स की क्या कीमत है. पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल जो बनकर आ सकता है, वो दो अलग अलग अंदाज में पेपर में आपसे वो पूछ सकता है. वो दो अंदाज कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें से एक अंदाज आज आपके सामने मौजूद है, जिसका नाम है, जो आपके सामने है मौजूद, जिसके अंदर बेसिकली वो एक बैलेंस शीट आपको देगा पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर में, और बैलेंस शीट देते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के एसेट्स को वो रिवैल्यू करवाएगा. रिवैल्यू करवाने में बाज़ औक़ात एसेट की कीमत बढ़ा देगा या बाज़ औक़ात एसेट की कीमत कम कर देगा. अब अगर एसेट की कीमत कम हो रही है मार्केट में या एसेट की कीमत बढ़ रही है, दोनों सूरतों में आप या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा. अगर एसेट की कीमत मार्केट में बढ़ रही है तो जैसी ऐसी बात है गेन है, अगर एसेट की कीमत कम हो रही है तो लाजमी तौर पर लॉस तसव्वुर होगा. गेन हो या लॉस हो, उसको आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. ये बात याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन जो आप कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, पार्टनर के रिटायर होते हुए. कौन पार्टनर? जो फर्म छोड़ के जा रहा है. एसेट्स को आपने मार्केट में मालूम करवाया भाई कि हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बुक्स में ये है 1,98,000. मार्केट में ज़रा मालूम करो कि कीमत इतनी ही है या इससे ज़्यादा है या इससे कम है. अगर इस कीमत से ज़्यादा हुई 1,98,000 से, तो ये गेन कहलाएगा. गेन होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हम मुंतकिल कर देंगे. फ़र्ज़ करें लैंड एंड बिल्डिंग जैसे कि मौजूद है 15 लाख की, मार्केट में वैल्यू मालूम करवाएंगे कि इस वक्त हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की जो कीमत हमारी बुक्स में है उसके मुकाबले मार्केट में क्या कीमत चल रही है. अगर तो कम हो रहा होगा तो लॉस कहलाएगा, बढ़ रहा होगा तो गेन कहलाएगा. गेन हो या लॉस हो, दोनों सूरतों में आप पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में मुंतकिल कर देंगे. उसके हवाले से जनरल एंट्रीज भी पास करेंगे और कैलकुलेशन भी दिखाएंगे. पेपर में इसी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक सवाल इस अंदाज़ के अलावा दूसरे अंदाज से भी पूछ सकता है. वो दूसरा अंदाज़ क्या होगा? दूसरा अंदाज़ ये होगा, इस तरह की बैलेंस शीट आपको नहीं देगा और ना ही इस तरह की एडजस्टमेंट देगा कि जिसके अंदर किसी कीमत, किसी एसेट की कीमत को बढ़ाएगा, किसी को कम करेगा, इस तरह से शो नहीं करेगा. फिर वो क्या करेगा, किसी भी एक पार्टनर के हवाले से बता देगा कि उस पार्टनर को एसेट्स को रिवैल्यू करते हुए गेन हुआ है या लॉस हुआ है. गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है. अगर फ़र्ज़ करें किसी एक पार्टनर को रिटायर होते हुए एसेट्स को रिवैल्यू करते हुए गेन हो रहा होगा, तो उस गेन की मदद से, जो कि एक पार्टनर का गेन होगा, तमाम पार्टनर्स का गेन कैलकुलेट किया जाएगा. जब तमाम पार्टनर्स का गेन कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद उस गेन के हवाले से आप जनरल एंट्री भी पास करेंगे और उसकी कंप्यूटेशन भी दिखाएंगे. ये दो अलग अलग अंदाज़ हैं. आज हम पहले वाले स्टाइल या पहले वाले अंदाज़ के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं. दूसरे अंदाज से का जो सवाल होगा, वो इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड हमारा लास्ट केस है. पहला अंदाज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स 2015 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 अनसॉल्व पेपर्स में इस सवाल को देख सकते हैं.
आसिफ हैं, मज़हर हैं और हसन हैं, पार्टनर्स थे एक फर्म के अंदर, एक बिज़नेस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। रेशो सवाल में मौजूद है, पहले पार्टनर का आसिफ का 25% है, मज़हर का 45% है और हसन का 30% है। तीनों को ज़रा प्लस कराइए, 40 और 20 60 और 5 5 70 और 30 पूरा 100। इसका मतलब 100% जो है वो टोटल हिस्सा बन जाएगा, जिसमें से तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके सामने गिवन है। कहते हैं कि द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन December 31, 2014 स्टूड एज अंडर। एसेट्स की सूरत हाल ये दी हुई है और इक्विटी की सूरत हाल ये दी हुई है, जिसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज है, लैंड एंड बिल्डिंग है। इक्विटी साइड के ऊपर देखिए अकाउंट्स पेबल है और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं। टोटल कराते हैं आप दोनों साइड्स का, 20,25,000 आता है। हसन, हसन कौन है? तीनों पार्टनर्स में से एक है। हसन ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन अबव डेट। डेट क्या है? December 31, 2014। कहते हैं बिफोर हिज रिटायरमेंट, इसके रिटायरमेंट से पहले, यानी कि हसन के रिटायरमेंट से पहले, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड। ये तीन एडजस्टमेंट्स आपको सवाल में दी हुई हैं, ये की गई इन द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, फर्म के अकाउंट्स में। इन तीनों एडजस्टमेंट्स को बारी बारी आप स्टडी करेंगे और तीनों से रिलेटेड जनरल एंट्रीज पास करेंगे। बारी बारी हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं और फिर जनरल एंट्री बनाते हैं। पहली एडजस्टमेंट हो रही है हसन के फर्म छोड़कर जाने से पहले, और वो क्या हो रही है कि 10% अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब आप जानते हैं कि वो डूबने का ख़तरा है पैसा। कितना? अकाउंट रिसीवेबल का 10%। चेक करिए अकाउंट रिसीवेबल है कितना, 2,70,000। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? जब आप किसी पार्टी को उधार पर माल फरोख्त करते हैं तो आपके पास आपके बुक्स में जो अकाउंट क्रिएट होता है उसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल, जो आपका करंट एसेट होता है 2,70,000। और इस 2,70,000 में से 10% अकाउंट रिसीवेबल का डूबने का ख़तरा है। बताएं स्टूडेंट्स के जनरल एंट्री जो आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं वो क्या बनाते थे? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर बैड डेट को आप कराते थे क्रेडिट। बताइए जो हमने अभी एंट्री बनाई है उससे पहले क्या लिखा? कंपनी का नाम नहीं है तो पार्टनर्स के नाम, जनरल जनरल। 2014 December 31 जो सवाल के अंदर मेंशन थी, 2014 December 31। स्टूडेंट्स बताएं हमने एंट्री क्या बनाई? हमने एंट्री यहाँ पे जो बनाई है वो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट नहीं बनाई, जबकि यही एंट्री बनती थी। याद रखिएगा जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे, जगह जगह रिवैल्यूएशन देखें इस्तेमाल हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट साइड पर आ रहा है तो समझ जाएंगे ये एक्सपेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक्सपेंस को। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर शो हो रहा है तो ये गेन को शो कर रहा है, यानी कि रेवेन्यू को शो कर रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली क्या है? एक टेम्पररी अकाउंट है, एक आरजी अकाउंट है, सिर्फ और सिर्फ उस दिन वजूद में आ रहा है जब पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, और उसी दिन वजूद में आएगा और उसी दिन अपनी हैसियत को खो देगा, यानी कि खुद भी ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपने एंट्री क्या बनाई, यानी कि पहली एंट्री आपने क्या बनाई? आपने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रकम भी चेक करिएगा, 2,70,000 का आपने लिया 10%। 2,70,000 क्या चीज़ है? अकाउंट रिसीवेबल की रकम है, उसका 10% आपको कह रहा था कि डूबने का ख़तरा है। 2,70,000 रुपये के ऊपर जब आपने 10% अप्लाई किया, रकम कितनी आई? 27,000। एंट्री क्या बनाएंगे? बैडेड एक्सपेंस की जगह मैंने आपको बताया तमाम एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, तमाम रेवेन्यूज़ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। एक्सपेंस जहाँ पर आएगा उसकी जगह आप लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस की जगह, यानी कि बैडेड एक्सपेंस की जगह। और अलाउंसेस फॉर बैड डेट जो है वो अपनी जगह पर है, एज इट इज़ है। अलाउंसेस फॉर बैड डेट दरअसल कॉन्ट्रा अकाउंट होता है अकाउंट रिसीवेबल का, रकम कितनी? 27,000। कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब होता है अपोजिट अकाउंट। नरेशन बताइएगा टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। पहली एंट्री उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस क्रेडिट करने के बजाय बैड डेट की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट को लेकर चला गया। सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, चेक करिए सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा डेप्रिशिएटेड नहीं लिखा हुआ है, एप्रिशिएटेड यानी कि कीमत बढ़ रही है। चेक करें बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत कितनी है? 15 लाख, 15 लाख, 1.5 मिलियन। बताएं 15 लाख का कह रहा है 20%, पहले 15 लाख का 20% अप्लाई करिए, बनता है 3 लाख। बताएं 3 लाख लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत कम हो रही है या बढ़ रही है? जी हाँ सही बोल रहे हैं आप, कीमत बढ़ रही है। अगर तो कीमत बढ़ रही है
तो इसका मतलब हुआ लैंड एंड बिल्डिंग को आप डेबिट करवाएंगे। डेबिट कराने की लॉजिक कीमत बढ़ रही है, ज़रा चेक करें, 15 लाख का आपने लिया 20%, तो बना 3 लाख। एंट्री क्या बनाई आपने, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने डेबिट करवाया 3 लाख रुपये से, और रिवैल्यूशन अकाउंट को आपने क्रेडिट करवाया 3 लाख से। नरेशन चेक कर सकते हैं, टू रिकॉर्ड रिवैल्यूशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत को आपने रिवैल्यू कर लिया। अब स्टूडेंट्स बताइए, पहली एंट्री में क्या हो रहा है, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट में, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस कहलाता है। सेकेंड एंट्री में चेक करिएगा, रिवैल्यूशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट में, इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा कहलाएगा। थर्ड एंट्री देखते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड में कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस्ड, इसकी कीमत कम हो रही है, कितने रुपए से, 8000 रुपए से। ऊपर चेक करिएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कीमत कितनी है, 1,98,000। 1,98,000 में 8000 रुपीज़ से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कीमत क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यानी कि कम हो रही है। बताएं स्टूडेंट्स, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? रिवैल्यूशन अकाउंट आपके पास एंट्री के अंदर डेबिट होना चाहिए। बताएं लॉजिक क्या है, क्योंकि कीमत कम हो रही है, जब कीमत कम हो रही है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आप क्रेडिट करवाएंगे 8000 से, एसेट में कमी क्रेडिट होता है, और एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस बन गया, लिहाजा रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट में आ गया 8000 से। नरेशन, टू रिकॉर्ड रिवैल्यूशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। स्टूडेंट्स अब असल काम अब शुरू होता है। असल काम से मुराद ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों के तीनों जो आपने काम किए हैं, जनरल एंट्रीज पास किए हैं, ये बेसिकली क्या है, आपने एडजस्टमेंट्स जो दी हुई थी सवाल में उसके हवाले से एंट्रीज बना दी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सवाल के अंदर रिवैल्यूशन अकाउंट के ऊपर आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। किस तरह से पता चलेगा, इंतहाई आसान सी बात है, कैलकुलेटर निकालें सारे स्टूडेंट्स। रिवैल्यूशन अकाउंट देखेंगे क्रेडिट में कितनी रकम से है और डेबिट में कितनी रकम से है। नज़र आ रहा होगा रिवैल्यूशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री में क्रेडिट साइड पर है, जो कि 3 लाख रुपये है। रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट में देखें, दो एंट्रीज में रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट में कितना है, 27,000 रुपये, और रिवैल्यूशन अकाउंट थर्ड एंट्री में डेबिट है 8,000। इसका मतलब वो ज़रा टोटल कराइए डेबिट साइड का, 27,000 और 8,000, 35,000 आ रहा है, 35,000। रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट में है 35,000 से, और रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में 3 लाख से। अब मेरा सवाल सुनिए गौर से, बताएं इस वक्त रिवैल्यूशन अकाउंट हैवियर कौन सी साइड पर है, डेबिट साइड पर हैवियर है या क्रेडिट साइड पर? आप बोलेंगे सर रिवैल्यूशन अकाउंट हैवियर है क्रेडिट साइड पर। आप बताएं क्रेडिट साइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट पे 3 लाख से है, जबकि डेबिट पे टोटल जो है वो 35,000 से डेबिट है। इसका मतलब वो डेबिट साइड लाइटर साइड है, हल्की साइड है, और क्रेडिट साइड भारी साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चेक करेंगे कि ये तो तय हो गया कि क्रेडिट पे हैवियर है। अच्छा, मेरा अगला सवाल बताएं, रिवैल्यूशन अकाउंट के ऊपर यानी कि एसेट्स को रिवैल्यू करने के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को गेन हो रहा है या लॉस? आप बोलेंगे गेन हो रहा है। गेन की लॉजिक, अगर रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर हैवियर है तो गेन को शो करेगा, जैसा कि यहाँ कर रहा है, और अगर रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट पर हैवियर होता तो वो लॉस को शो करता। 3 लाख में से आप 35,000 को माइनस करवा देंगे, जवाब आएगा जी हाँ, 2,65,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो तीन अलग अलग एसेट्स की हमने रिवैल्यूशन की है, इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को 2,65,000 रुपये का फ़ायदा हासिल हो रहा है। बताएं 2,65,000 का जो फ़ायदा हो रहा है, उस फ़ायदे के ऊपर हकदार कौन है, आसिफ है या मज़हर है या हसन है? आपका जवाब होगा सर तीनों हकदार हैं। तीनों क्यों हकदार हैं, क्योंकि तीनों फर्म चला रहे थे। मेरा अगला सवाल बताएं, अगर तीनों हकदार हैं तो क्या बराबर से हकदार हैं? आप बोलेंगे जी नहीं, बराबर से हकदार नहीं है, क्योंकि तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है। अगर सवाल में इक्वल लिखा होता तो इसका मतलब हुआ 2,65,000 तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाता, लेकिन फ़िलहाल आसिफ में बढ़ेगा 25%, मज़हर में बढ़ेगा 45% और हसन में बढ़ेगा 30%। इसकी आपको एक कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी जो हमने आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ दिखाई है। ज़रा देखिएगा, हसन का कैपिटल आपने, अच्छा सॉरी, इससे पहले ये कैलकुलेशन हमारे पास इसी सफ़े में मौजूद है। देखिएगा हमने क्या किया, रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड के ऊपर जा रहा है 2,65,000, क्रेडिट पे हैवियर है लिहाजा रिवैल्यूशन अकाउंट अपने डेबिट किया 2,65,000 से। चेक कर लें, आसिफ कैपिटल, मज़हर कैपिटल और हसन कैपिटल तीनों के अकाउंट्स में ये आपने गेन को ट्रांसफ़र कर दिया। रकम आ रही है 66,250, 119,250 और 79,500। ये रकम कैसे आ रही है, इसके लिए हमने कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूशन, आसिफ, मज़हर और हसन
25%, 45%, 30% जो सवाल में गिवन था। तीनों पार्टनर्स के नाम आपने दोबारा लिखे। 265,000 रुपये का गेन था टोटल, उसका 25% जाएगा आसिफ को, देखिए आसिफ को जा रहा है। 45% जाएगा मदर को, देखें 45% मदर को जा रहा है। और 30% जाएगा हसन को, देखें 30% जा रहा है हसन को। रकम आपके सामने आ चुकी है और ये तीनों रकमें जो हैं वो आपने यहाँ पर शो करवा दी। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताएं, फ़र्ज़ करें रिवैल्यूशन अकाउंट के ऊपर आपको गेन ना हो रहा होता बल्कि लॉस हो रहा होता। पहले तो ये बताएं लॉस होता कब। लॉस इस सूरत में होता कि जब एंट्रीज़ की मदद से रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड के ऊपर हैवियर होता और क्रेडिट साइड के ऊपर लाइटर होता। अगर रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट पर हैवियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट पे होता 400,000 रुपये टोटल और रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट पे होता टोटल फ़र्ज़ करें 3,50,000, इसका मतलब ये हुआ 50,000 रुपये का लॉस होता। तो रिवैल्यूशन अकाउंट जब डेबिट पे 50,000 से ज़्यादा होता तो रिवैल्यूशन अकाउंट को आप उठा के करते क्रेडिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप करते डेबिट। किस हिसाब से? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता। उम्मीद है आपको चारों एंट्रीज बेहतर तौर पर समझ में आई होंगी। आखिरी एंट्री जो आपको बनानी है वो ये बनानी है, सवाल में एक बात मेंशन है कि आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, ये तीनों एडजस्टमेंट्स को ऑल कह रहा है, एडजस्टमेंट करने के बाद हसन ने अपना पूरा का पूरा हिस्सा बेच दिया, इंटरेस्ट माने शेयर बेच दिया किसको, मज़हर को। मज़हर साहब कौन है? मज़हर ख़ुद एक पार्टनर है, उनका ऑलरेडी कैपिटल 7,56,000 था। अच्छा हसन का कैपिटल सवाल के अंदर मेंशन कितना है? 4,50,000। बताइए हसन ने जो अपना हिस्सा बेचा है मज़हर को, वो क्या सिर्फ 4,50,000 बेचा है? आप बोलेंगे जी नहीं, क्योंकि सवाल के अंदर जो मिस्टर हसन है उनको थोड़ा सा गेन भी हो रहा था। चेक करें गेन कितना हो रहा था, हसन का गेन हो रहा था 79,500। इसका मतलब ये हुआ इस 79,500 जो गेन हो रहा है उस गेन को आप ऑलरेडी जो हसन का कैपिटल था 4,50,000 रुपये इसके अंदर आप इसको प्लस करवाएंगे और जो टोटल अमाउंट आएगी आपके पास वो टोटल अमाउंट आएगी 5,29,500। हसन का कैपिटल दोनों सूरतों में क्रेडिट साइड पर था, हसन को फर्म छोड़ के वो जा रहा है लिहाजा हसन का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करवाएंगे, डेट वही है, और मज़हर का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करवा देंगे जिसको मिस्टर हसन जो है वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। 5,29,500 नरेशन क्या है, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ शेयर टू द रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर को हिस्सा बेच दिया। पुराना वाला जो हमारा एंट्री थी उसकी नरेशन भी देख लीजिए, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन अमंग द पार्टनर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं यहाँ पे बिटवीन लिख देते हैं, याद रखिएगा बिटवीन का वर्ड सिर्फ इस सूरत में आता है जब पार्टनर्स दो हों, अगर दो से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो बिटवीन का वर्ड कभी भी नहीं आएगा बल्कि अमंग आएगा, तीन हों चार हों पाँच हों अमंग आएगा, दो पार्टनर होते तो बिटवीन। स्टूडेंट्स इस बात पर ज़रा फोकस करिएगा कि हमने यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी बनवाई है और बैलेंस शीट जो बनाई है उसका बुनियादी मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बैलेंस शीट से घबराते हैं उनको समझ में नहीं आती, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसी बहाने वो बैलेंस शीट का कंसेप्ट बेहतर तौर पर समझ लें। लेकिन ये बात याद रखिएगा पेपर में उसने आपसे पूछा नहीं है, लिहाजा हमने साइड में यहाँ पे मेंशन कर दिया नॉट रिक्वायर्ड, ताकि आपको पता चले ये बैलेंस शीट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बैलेंस शीट से रिलेटेड मजबूत हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हुए आपने आसिफ और मज़हर का नाम लिखा क्योंकि मिस्टर हसन फर्म छोड़ के जा चुके हैं और फर्म छोड़ के जाने के बाद की ये बैलेंस शीट बन रही है, तो आसिफ एंड मज़हर पार्टनरशिप लिखा, बैलेंस शीट लिखा एज ऑन December 31, 2014। लेफ्ट साइड आपको पता है एसेट साइड होते हैं, करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, राइट साइड पे इक्विटीज़ हैं जिसमें करंट लायबिलिटी है और उसके बाद पार्टनर्स इक्विटी है। एक एक करके चेक करते हैं, कैश की रकम देखें हमने कितनी लिखी 57,000, इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर कैश हमारे पास 57,000 था और एंट्रीज जो हमने बनाई थी उसके अंदर कैश का कोई जिक्र नहीं आया था, लिहाजा कैश की रकम एज इट इज़ 57,000 हमने यहाँ से उठाई और हमने अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैश को मेंशन कर दिया, चेक कर सकते हैं 57,000। अकाउंट रिसीवेबल चेक करिएगा 270,000 रुपये है और जो सवाल हमारे पास मेंशन था उसमें भी अकाउंट रिसीवेबल 270,000 था, लेकिन इसमें से हमने एंट्री एक बनाई थी जिसमें अलाउंसेस फॉर बैड डेट को शो करवाया था 27,000 रुपये से, तो अलाउंसेस फॉर बैड डेट को हमने बैलेंस शीट के अंदर क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसको लेस करवाया। चेक करिए अकाउंट रिसीवेबल 270,000 लेस किया हमने अलाउंसेस फॉर बैड डेट 27,000, 270 में से 27,000 जब लेस होगा तो जवाब आएगा आपके पास 2,43,000। इसके अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की रकम ज़रा चेक करिएगा, जो सवाल के अंदर मेंशन है वो है 1,98,000 से, लेकिन हमने अपने पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को जो बैलेंस शीट में शो किया है वो 1,90,000 शो किया है। बताइए हमने कम रकम से क्यों शो किया है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल समझ गए होंगे और सही समझे हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कीमत कम हो गई थी, कितने से 8000 से। फोकस कराने की खातिर एक बात फिर बता दूं, अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट में जा रहा होता तो इस 1,98,000 की जो रकम थी उसमें मज़ीद एडिशन हो जाता, लेकिन फ़िलहाल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,98,000 में से आपने इस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को माइनस करवाया जो कि 8000 है, रकम आ गई आपके पास 1,90,000। 57,000 को 2,43,000 को और 1,90,000 को, तीनों को प्लस करवाइए, रकम आया 4,90,000। ये कहलाएगा टोटल करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपने दिखाया लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग की रकम दिखाई 18 लाख। बताइए 18 लाख क्यों दिखाई? सवाल के अंदर तो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 15 लाख थी। जी हाँ, आप सही समझ गए कि लैंड एंड बिल्डिंग को आपने एंट्रीज बनाते हुए, देखें सेकेंड एंट्री में आपने डेबिट करवाया था, रकम थी 3 लाख, एप्रिशिएट हुई थी रकम, तो 15 लाख की रकम ऑलरेडी मौजूद थी, 3 लाख से यहाँ पे एडिशन हुआ, तो 15 और 3, 18 लाख। चेक करिए 18 लाख। इस फिक्स एसेट के अलावा कोई दूसरा फिक्स एसेट हमारे पास सवाल में मौजूद नहीं था, लिहाजा अकलौता फिक्स एसेट था, लिहाजा एक ही एसेट हम लेकर गए और फिर हमने तमाम एसेट्स को प्लस करवाया। करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है 4,90,000, फिक्स एसेट्स का टोटल आ रहा है 18 लाख, 18 लाख और 4,90,000 को प्लस करवाया तो टोटल हमारे पास आ रहा है 22,90,000। इक्विटी साइड में एक अकलौती लाइबिलिटी है अकाउंट पेबल के नाम से 1,35,000, सवाल के अंदर भी यही रकम थी 1,35,000, और पूरे क्वेश्चन में अकाउंट पेबल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, एज इट इज़ ये रकम चली गई। कैपिटल जो मिस्टर आसिफ का था वो 6,84,000 था, सवाल के अंदर जो मौजूद था, और एसेट्स को रिवैल्यू करने के ऊपर आसिफ को फ़ायदा हासिल हुआ, कितने का? 66,250 रुपये का। लिहाजा इस 66,250 को इस ओरिजिनल जो कैपिटल था आसिफ का 6,84,000, इसमें आपने प्लस करवाया, और प्लस करवाने के बाद आसिफ का कैपिटल यहाँ पे शो करवाया आपने 7,50,250 रुपये। बताएं मजहर का कैपिटल आपके पास आ रहा है 14,04,750, ये रकम कैसे आई? मजहर का कैपिटल जो है वो ज़रा सवाल को चेक करिएगा, मजहर का कैपिटल सवाल के अंदर मौजूद था 7,56,000। एसेट्स को रिवैल्यू करने के ऊपर मजहर को जो फ़ायदा हासिल हुआ वो हासिल हुआ 1,19,250, और साथ साथ जो मिस्टर हसन हैं वो अपना हिस्सा जो है वो बेच कर गए हैं, और किसको बेच कर गए हैं? मजहर को बेच कर गए हैं, इतने का 5,29,500 का। तीनों रकमों का आपने प्लस करवाया, और प्लस करवाने के बाद मजहर का टोटल कैपिटल बन गया 14,04,750। बताएं स्टूडेंट्स, हमने पार्टनर इक्विटी के अंदर जो हमारा तीसरा पार्टनर था मिस्टर हसन, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि हसन साहब का टोटल कैपिटल कितना था? 4,50,000। हसन को एसेट्स को रिवैल्यूशन करने ऊपर गेन कितना हुआ? 79,500। इन दोनों रकमों का प्लस करवाएं तो हसन का कैपिटल जो बनता है वो 5,29,500 का बनता है, और हसन के हवाले से सवाल में मेंशन था कि हसन ने अपना हिस्सा जो है वो बेच दिया, लेकिन हसन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द अबव, ये सब कहानी लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स हसन सोल्ड हिज एंटायर इंटरेस्ट टू मजहर। हसन ने अपना पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो बेचा है मजहर को, लिहाजा हसन का कैपिटल आपने एंट्री के अंदर डेबिट करवाया था, जब डेबिट करवाया तो पूरी रकम से डेबिट करवाया था, लिहाजा अब हसन का इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा हसन के रिटायर होने के बाद बनने वाली इस बैलेंस शीट में हसन का कोई जिक्र भी नहीं आएगा। इन दोनों रकमों को प्लस करवाएंगे तो 21,55,000 कहलाएगा टोटल पार्टनर्स इक्विटी। 21,55,000 को टोटल लाइबिलिटीज़ को आप प्लस करवाएं जो कि 1,35,000 है, तो देखें दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं, टोटल एसेट्स और यहाँ पे टोटल इक्विटीज़ का बढ़ आएगा जो कि बन रहा है 22,90,000। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा अनसॉल्व पेपर से सवाल ढूंढने के बाद। जब तक अपने टीचर को इजाज़त दीजिए, अस्सलामुअलैकुम।